माननीय प्रमुख अतिथि महोदय पद्मश्री मोहन रेड्डी जी, माननीय संघ चालक गण, माननीय अधिकारी वर्ग, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस कार्यक्रम का नाम विजय संकल्प शिविर है। तो स्वाभाविक मन में प्रश्न आता है कि किसके विजय का संकल्प है, किस प्रकार के विजय का संकल्प है। संघ का कार्यक्रम है तो ये संघ के लोग अब किस विजय के लिए और किसके विजय के लिए प्रयास करेंगे, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। तो पहली बात ये समझना है कि संघ के स्वयंसेवक विश्व में हमेशा अपने देश का विजय चाहते, अपना विजय नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, पद नाम यश प्रतिष्ठा के पीछे जाना नहीं, हजार अच्छे काम करना लेकिन एक का भी श्रेय अपने खाते में नहीं लेना, सारा समाज को अर्पण करना, खूब कष्ट सहन करना, खूब परिश्रम करना और हंसते हंसते गीत गाना, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। उस अपने देश के विजय के लिए बात है। और वह विजय अपने देश के लिए आवश्यक है, हम सभी देशवासियों की इच्छा है, आकांक्षा है और संपूर्ण विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि यह जो विजय हम चाह रहे हैं वह धर्म विजय है। तीन प्रकार का विजय बताया जाता है। विजय की इच्छा तो सभी करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं दुनिया में जिनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है, स्वयं भी तरह तरह के दुखों में रहे और दुनिया को भी दुखी बना। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, दूसरे का भी मेरे पास आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है असुरी मनोवृत्ति, मैं ही सही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अहंकार धारण करके बोलना करना, नियम नीति अनुशासन इसके बारे में अनास्था रखना, अनास्था उत्पन्न करना, जहां जाएंगे वहां विध्वंस करना, विध्वंस करवाना, ऐसे लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। वो स्वयं भी कष्टों में रहते हैं, दूसरों को भी कष्टों में ही डालते हैं। जहां वो विजय करते हैं उनकी विजय सर्वत्र विनाश का कारण बनती है, ऐसे लोगों की विजय को कहते हैं असुर विजय। हमको नहीं ही चाहिए जिसके हृदय में रत्ती भर भी भलाई है वो आदमी उनकी विजय कभी नहीं चाहेगा। दूसरे राजस प्रकृति के लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं
और काम भी कभी कभी अच्छे करते हैं, यदि उन कामों में उनका नाम होता हो, उनकी कीर्ति होती हो, उनकी प्रतिष्ठा होती हो, उनको मोह रहता है, उनको लोभ रहता है, उनको चाहिए। अगर संभव है तो दुनिया में उनका नाम सर्वत्र हो, अगर संभव है तो दुनिया की सारी संपत्ति उनके ही आधिपत्य में रहे, अगर संभव है दुनिया की सारी सत्ता उन्हीं के पास रहे। ऐसा चाहने वाले और ऐसा करने के लिए लोगों का उपयोग कर लेने वाले लोग होते, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को सदुपदेश भी करते हैं, लोगों से अच्छा काम भी करवाते हैं, या अपने स्वार्थ के साधन के लिए लोगों को आपस में लड़ाते भी हैं, उनके हृदय में भय उत्पन्न करके दूसरों के प्रति अपना स्वार्थ साधन करते हैं। उन लोगों का रूप कुछ होता है, लेकिन उन लोगों की वास्तविकता निपट स्वार्थी अंतःकरण की होती है। ऐसे राजस प्रकृति के लोगों के विजय को धन विजय कहते हैं। उनकी विजय जहां जहां होती है वहां उनका धन बढ़ता है, उनका धन बढ़ने के बाद, उनका वैभव बढ़ने के बाद, उनका नाम होने के बाद, कीर्ति बढ़ने के बाद, अगर दूसरों का भला होना है तो होता है, नहीं तो दूसरे दुख में पड़ जाते हैं, उनको उसकी परवाह नहीं। ये दोनों विजय हमारे समाज की परंपरा में निषिद्ध है। हमारा तो पूर्वजों का, परंपराओं का, धर्म का आदेश है, धर्म विजय का। धर्म विजय क्या होता है? धर्म विजय करने वाले लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, स्वयं कष्ट सहन करके सबको सुखी रखने में वो विश्वास करते हैं। उनको अपने हित की चिंता नहीं रहती। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न अपुनर्भवं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैभव नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम्। दुख तप्त प्राणियों के आरती को, दुख को मैं निवारण करूं, ये मेरी आकांक्षा है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। धर्म विजय करना चाहने वाला ऐसा विचार करता, संघ ऐसा विचार करता, हिंदू समाज ऐसा विचार करता, भारत देश ऐसा विचार करके विश्व में अपना जीवन जीता। आज संपूर्ण विश्व में राजस और तामस शक्तियों के खेल चल रहे, आज हमारे देश में भी वो खेल चल रहे, उस पर सात्विक शक्तियों की विजय होनी चाहिए। सात्विक शक्तियां अपने लिए विजय नहीं कमाते, लोक हित के लिए कमाते, और उस विजय में होता क्या है, सब लोग जुड़ते हैं, बिखरे हुए लोग भी इकट्ठा होते हैं और सब लोगों की उन्नति होती है। सबको जोड़ने वाला, सबको बांध के रखने वाला, सबकी उन्नति एक साथ करने वाला, शरीर मन बुद्धि तथा आत्मा का सुख एक साथ देने वाला, व्यक्ति की, मानव समूह की, सृष्टि की, सबकी भलाई एक साथ करते हुए सबको परमेश्वर की ओर अग्रसर करने वाला, अर्थ और काम पुरुषार्थों को बहुत अच्छी तरह धर्म के अनुशासन में चलाकर मुक्ति की ओर सबको अग्रसर करने वाला धर्म, वो धर्म दुनिया में प्रादुर्भूत होता है, उसका संवर्धन होता है, उसके कारण सर्वत्र शांति समाधान सुख, सर्वत्र परस्पर व्यवहार में प्रेम संतुलन, सबका विकास, ऐसी बात होती है। और सात्विक प्रवृत्ति को लोग जानते हैं कि ये विजय
हमारे उदाहरण से होनी है, ये उपदेश से होती नहीं, ये दूसरों को पीट कर होती नहीं। अंधेरा भगाना है तो अंधेरों को लाठियों से पीट पीट कर अंधेरा नहीं भगता, एक दिया जलाना पड़ता है, अंधेरा अपने आप भगता है। इस विजय के साधक सात्विक लोग स्वयं को उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करते और अपने प्रेम से सबको जोड़ने का प्रयास करते। विरोध तो उनका भी होता है, लांछन तो उन पर भी लगाए जाते हैं, बदनाम तो उनको भी किया जाता है, प्रताड़नाएं उनकी भी होती है, हत्याएं भी उनकी होती है, और क्वचित अपने को बचाने के लिए उनको संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन उनके हृदय का प्रेम कभी कम नहीं होता। उनकी सबके प्रति सकारात्मकता, सबके प्रति स्वीकार की मनोवृत्ति, सबके प्रति आत्मीयता कभी भी विचलित नहीं होती, और स्वयं को अच्छा बनाकर अपने करने से दुनिया को अच्छा बनाने का सतत प्रयास वो कभी नहीं छोड़ते। जो ज्वाला मशाल की जलती है उसको आप उल्टा कर दो तो भी ज्वाला ऊपर ही जाएगी, उस ज्वाला के अनुसार उसके ही जैसा सात्विक शक्तियों के सद्वर्तन की गति हमेशा उन्नयन की ओर ही है, परिस्थिति कोई भी रहे। ऐसा काम होने की आवश्यकता है तब दुनिया में देश में सात्विकता की विजय होगी, धर्म विजय होगी। इस विजय का संकल्प लेके कार्यकर्ता आज आपके सामने उपस्थित है, आपके सामने इनको उपस्थित इसलिए होना है कि हम सबका काम है। इनको अपना प्रदर्शन नहीं करना है, इनको अपने जैसा ही सारा समाज बनाना है, संघ के लोगों को संघ में संघ के विचार का एक प्रभावदूत बनकर नहीं रहना, बहुत बड़ा संगठन बनके नहीं रहना, संपूर्ण समाज ही संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के सुख के लिए, देश के सुख के लिए, अपने सुख के लिए ये जो सात्विक परिवर्तन हम चाहते हैं, वह सात्विक परिवर्तन करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। अभी धन्यवाद किया गया, यहां विद्युत की व्यवस्था जिन्होंने की उनका धन्यवाद है, सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले पुलिस का धन्यवाद है, ऐसे विश्व के देश के हमारे सुख को लाने वाला धर्म सुरक्षित रखने वालों का हम धन्यवाद करते, ऐसा कहने का मौका नहीं आता, क्योंकि ये हर एक का अपना काम होता है। भगवान अवतार लेंगे तब हम ठीक करेंगे, अच्छी सरकार आएगी तब ठीक होगा, कोई नया नेता आएगा नई रोशनी लाएगा, कोई मेरे लिए भला करे, कोई हमारा उद्धार करे, ऐसी प्रार्थना करके ऐसी इच्छा करके कभी किसी का उद्धार नहीं होता, कभी किसी का उन्नयन नहीं होता, न व्यक्ति का होता है न परिवार का होता है, न समाज का होता है न देश का होता है न विश्व का होता है। ये तो हम सबका काम है, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम एक जीव है, हमारा एक जिसको अंग्रेजी में कहते ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस है, संघ की प्रार्थना में हम कहते हिंदू राष्ट्र के हम अंगभूत हैं, क्योंकि ये जो धर्म विजय का विचार है, ये जो परस्पर के व्यवहार में प्रेम और संतुलन का विचार है,
ये सभी का स्वीकार करना सभी सही है, हम मिलकर चलकर सबकी उन्नति करें, ये विचार है। इस विचार को दुनिया हिंदू विचार कहती है, वो भारत का परंपरागत विचार है, भारत की मिट्टी में जन्मे सभी विचारधाराओं का वो निष्कर्ष है। ईश्वर को मानने वाली विचारधाराएं भी भारत से निकली है, ईश्वर को न मानने वाली भी निकली है, लेकिन उन सबका निष्कर्ष एक है, क्योंकि उन सबका सत्य एक है। वो सत्य क्या है? सभी समान है, क्योंकि सभी एक से निकले। प्रचलित है वाक्य प्रयोग विविधता में एकता, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश उसके एक कदम आगे जाता है। विविधता में एकता नहीं, केवल एकता की ही विविधता है। विविधताओं में हम एकता नहीं खोज रहे, हम विविधता जिस एकता से निकली है उस एकता को खोज रहे, उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक है, दर्शन अनेक है, पंच संप्रदाय अनेक है, मान्यताएं अलग अलग है, कदाचित परस्पर विरोधी भी होंगी, बिगड़ता नहीं, सबका निष्कर्ष एक है। सत्य अहिंसा परिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य तपस्वच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तपस संतोष शौच स्वाध्याय ईश्वर, यम नियमात्मक दशम मूल्यात्मक ये जो आचरण है, दूसरे शब्दों में जिसका हमारे प्रभुपति जी ने भाषण में उल्लेख किया, ये बात हम कहते हैं उसको विशद करते हैं, उसका मूल बताते, उसके परिणाम बताते, उसके लिए आवश्यक करणीय कार्य बताते, लोग कहते हैं आप हिंदुत्ववादी हो। हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है, हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर साथ चलो, भद्रता का पालन करो, नीति नियम कानून अनुशासन उसका बंधन पालन करो, उसके लिए अच्छे संस्कार। हमारे जीवन का लक्षण हो धर्म जीवन, जो मुक्ति के ओर ले जाता है, अर्थ काम है, आवश्यक है, जितने आवश्यक है उतने करेंगे, मर्यादा के बाहर में जाए इसलिए धर्म के अनुशासन में चले। स्वयं उपभोग स्वयं अर्थार्जन हमारे परंपरा की बिल्कुल अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता की हमारे यहां अनुमति नहीं है। स्वतंत्रता की है, लेकिन स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता नहीं। अगर एक ही आदमी होता दुनिया में तो वो स्वयं चल सकता था बहुत मात्रा में, परंतु हम सब है, हम सबको जीना, हम सबको रहना, हम सबको चलना, और इसलिए सबके हित के लिए आवश्यक नियम कानूनों का पालन करके चलना पड़ता है। अब ये बात कोई कहेगा तो इसका विरोध कहीं नहीं है, सार्वजनिक रूप से तो इसको कोई नहीं नकार, और मानते भी सब होंगे, लेकिन इसका आचरण होना चाहिए मुख्य बात वो है, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, इसका आचरण होना चाहिए। सामान्य लोग इतना विचार नहीं करते, सामान्य लोग कहते हैं कि बड़े लोग जैसा करेंगे हम भी वैसा करेंगे, जो लोगों के आकर्षण केंद्र है, जो लोगों के सामने उदाहरण स्वरूप है, जिन पर लोगों का विश्वास है, लोगों के सामने जिनकी छवि प्रामाणिकता की पारदर्शिता की है, ऐसा आचरण करने वाले लोग समाज में होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे लोगों को नाम दिया था नायक, उनका एक निबंध है लंबा प्रबंध स्वदेशी समाज, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का उद्धार राजनीति से नहीं होगा, नेताओं के कारण नहीं होगा, समाज में परिवर्तन चाहिए। फिर वो कहते हैं
कि हमारे समाज का स्वभाव है एकता की ओर बढ़ना। अंग्रेज लोगों को बड़ी आशा है कि इस देश में जिनको हिंदू कहा जाता है और दूसरे लोग हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो आपस में लड़ेंगे, मारपीट करेंगे और खत्म हो जाएंगे। परंतु अंग्रेजों याद रखो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस आपस के संघर्षण में से ही साथ रहने का कोई उपाय ये समाज ढूंढ लेगा, और रविंद्रनाथ के शब्द है, वह उपाय अवश्य हिंदू उपाय होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्द हैं। और आगे वो कहते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को आत्मीय अपना मानने वाला, समाज के लोगों में किसी प्रकार का जो भेद नहीं करता, जो निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से समाज के लिए जीता मरता है, और समाज को जो मालूम है, ऐसा नायक चाहिए। तो भी प्रमुख अतिथि जी ने अभी कहा, यज्ञ डाल चरित्र श्रेष्ठा तत्व देव तो रोजना सयत प्रमाणन गुरुते लोकस्तद अनुवर्त। एक नायक पर्याप्त नहीं है। अपना इतना विशाल देश है, इतनी विशाल जनसंख्या है, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में समाज के प्रति अत्यंत निस्वार्थ आत्मीयता रखने वाले, संपूर्ण समाज को भेद रहित अपना मानने वाले, स्वार्थ का लवलेश भी जिनके मन में नहीं, जिनका चरित्र पूर्ण निष्कलंक है, और इसलिए जो समाज के स्नेह और विश्वास के प्राप्त है और समाज के हित की चिंता में जीवन जीते हैं और आवश्यक है तो बलिदान देते हैं, ऐसे तरुणों की, प्रौढ़ों की, बालकों की, किशोरों की टोलियां चाहिए। बस्ती बस्ती में ऐसे लोग उत्पन्न हो गए तो उसके आधार पर समाज बदल जाएगा। जिस दिन समाज बदलेगा उस दिन भारत का भाग्य बदलेगा। नेता कौन है, पार्टी कौन है, साधन कितने हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा समाज खड़ा करने के लिए संघ काम करता है। संघों को ये विजय चाहिए, अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला, अपने देश को विश्व गुरु बनाकर विश्व को सुख शांति का नया रास्ता दिखाने वाला, भारतवर्ष जिसके कर्तृत्व से खड़ा होगा, ऐसा संगठित हिंदू समाज। मैं हिंदू कहता हूं तो किसी को छोड़कर नहीं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है, इस भारत की सर्वसमावेशक, सर्व स्वीकार करने वाली उदार मानवता संस्कृति को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और भारत की यह नीति पूर्वक संस्कारों को, अनुशासन को मानने वाली, मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली, संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है, उसके देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है।
संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं इसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न है। और इसलिए घर में जाना, संपर्क करना, हम क्या करते हैं वो दिखाना, जहां अभाव है वहां सेवा के लिए दौड़ना, अपना सब कुछ लगाते समाज की सेवा करना, और ऐसा कर सकते रहे जीवन भर। इसके लिए जिन आदतों की आवश्यकता है, रोज के एक घंटा के शाखा में उन आदतों का भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आग्रह पूर्वक नित्य अभ्यास करते रहना, ये काम संघ के संयोजक करते हैं, उस विजय के लिए, धर्म विजय। यह विजय की साधना केवल संघ की साधना नहीं है, यह हम सब भारतवासियों की साधना है, वो हमको विरासत में मिली है। इसी के लिए विवेकानंद ने कहा था कि आने वाले 50 वर्ष तक अपने सब देवी देवताओं को भूलकर एकमात्र भारत माता की आराधना करो, भारत के पुत्रों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लगा। उस आवाहन का स्मरण करके हम सबको फिर से सक्रिय होने की आवश्यकता है। विश्व राह देख रहा है, भारत से रास्ता मिलेगा, भारत राह देख रहा है, मुझे खड़ा होना है। लेकिन उस भारत को, यानी हम सबको यह समझना है कि हमको खड़ा होना है, तो कोई आके हमको थोड़ी खड़ा कर देने वाला है, हमको अपने दौरों पर खड़ा होना है। और इसलिए इस अभियान में हम सबको सहभागी होना है, आबाल वृद्ध महिला पुरुष सबके लिए यह काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से जो कार्यक्रम चलता है शाखा का, उसमें केवल पुरुष रहे, परंतु महिलाओं को छोड़ा नहीं, महिलाओं के लिए काम है, राष्ट्र सेविका समिति का काम चलता है, ऐसे ही काम है। जब वो शुरू हुआ तब ये तय हुआ कि संघ महिलाओं में काम नहीं करेगा, समिति पुरुषों में काम नहीं करेगी, दोनों समान तक चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, इसलिए अलग अलग चलता है। लेकिन बाकी सारे समाज के हित के काम स्वयंसेवकों ने जो खड़े किए हैं, अन्य अन्य संगठन चलते हैं, 6 प्रकार की गतिविधियां चलती है, 1,30,000 के आसपास सेवा कार्य चलते हैं, कई प्रकार के काम स्वयं से जब व्यक्ति शादी कर रहे हैं, उन सब में महिला पुरुष मिलकर अपने देश को बनाने का काम कर रहे हैं। यह अभियान संपूर्ण समाज का अभियान होने की आवश्यकता है, उसके लिए आवश्यक योग्यता अर्जित करने की जो एक घंटे की साधना है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिखने वाला रूप है, उस रूप में हम सबके रूप के समाहित हो जाने की, उस साधना का हमारे सबके जीवन का भाग बन जाने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वयंसेवक विजय का संकल्प लेकर जब खड़े होते हैं, तो पथ संचलन निकालते, समाज को दिखाते, सार्वजनिक सभा करते, आपको बुलाते हैं। लौकिक दृष्टि से लोगों को लगता है संघ अपना प्रचार कर रहा है, हमारा काम संस्कार का है, हमको प्रचार क्यों करना, हम शांति से काम कर रहे हैं, 90 साल से कर रहे हैं, प्रचार के क्षेत्र में तो हम बहुत पीछे हैं, फिर भी हम चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं है, उनके लिए एक लाभ है, उनका टेस्टिंग होता है, हमने कितना परिश्रम किया, कहां कमी रही, कहां ठीक करना, वो विचार करेंगे। लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि संपूर्ण समाज को अपने आप को गुण संपन्न बनाना, अपने आप को मूल्य संपन्न बनाना, अपने जीवन को जैसा देश का जीवन चाहिए वैसा जीवन बनाना, और देश के हित में देश को जोड़ने का काम करते रहना, इस प्रयास में सहभागी होना है। वहां सहभागी होने का इस ये आवाहन मैं आपके सामने आज रखता हूं और अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।